एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर ठंडे का मौसम है। हम देखते हैं कुमरा को जहाँ पर वो इस मौसम में कॉफी खरीदने के लिए जा रहा है। जहाँ पर जा रहा होता है वहाँ पर मी के साथ मुलाकात होती है। मी कुमरा को देखती है और कहती है आज बहुत ज्यादा ठंड है। मी यहाँ पर कुछ गर्म सा चीज खाने के लिए आए है इस ठंडे मौसम के लिए। कुमरा को यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसने अपना चश्मा पहनना छोड़ दिया है। बाद में कुमरा को समझ में आता है कि मी यहाँ पर टिकते से देख नहीं पा रही है, इसलिए मी से पूछती है तुम ये काम खुद से कर सकते हो। पर यहाँ पर मी कहती है नहीं मैं ये काम खुद से कर सकता हूँ। ऐसे में मी अपने कॉफ़ी ऑर्डर कर लेता है। बाद में मी उस कॉफ़ी को टेस्ट करता है और देखता है वो कॉफ़ी अलग है। बाद में कुमरा उसे बताती है ये ब्लैक कॉफ़ी है। मी यहाँ पर थोड़ा सा निराश हो जाती है क्योंकि उसने जो ऑर्डर किया था वो नहीं मिला। मी को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करेगा, तो इसीलिए कुमरा को कह देता है कि तुम ब्लैक कॉफ़ी पीना पसंद करोगे। कुमरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मी ने उसे पहले पिया था। बाद में मी उसे कहता है कि तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी पसंद नहीं है। बाद में कुमरा उसे कह देता है कि हाँ मैं इसे पीने के लिए तैयार हूँ। बाद में मी कुमरा को कैन दे देती है और कुमरा यहाँ पर सोचता है कि उसने पहले पिया था और इसी के चलते वो फाइनली कह देता है कि मुझे ब्लैक कॉफ़ी उतना भी पसंद नहीं है। और मी भी कहता है तो फिर आपको भी ये पसंद नहीं है। और बाद में देखते हैं कुमरा यहाँ पर भाग रहा होता है और हमें समझ में आता है कुमरा यहाँ पर स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और बाद में कुमरा ये नोटिस करती है कि उसके सामने मी भी दौड़ रही है। ऐसे में देखते हुए मी के पास चली जाती है भागते हुए। कुमरा यहाँ पर मी को गुड मॉर्निंग कहती है पर मी यहाँ पर उसे कहता है गुड मॉर्निंग सैन। बाद में कुमरा ये सोचता है कि हाँ उसने मुझे नोटिस नहीं की क्योंकि वो जल्दी में अपना चश्मा भूल गया इसी वजह से। बाद में वो दोनों एक ट्रैफिक लाइन के ऊपर खड़े होते हैं। कुमरा यहाँ पर खड़ा होकर मी को देखता है और उसे देख बाद में कुमरा ये नोटिस करते हैं उसका शर्ट थोड़ा सा उठा हुआ है, इसीलिए कुमरा जैसे तैसे करके मी को ये बात बता देती है। और बाद में मी अपने स्कर्ट को ठीक कर लेती है। मी यहाँ पर खुद से कहता है मेरे एयर पूरे से बिखरे हुए हैं, मैं इस तरह से कुमरा को नमस्ते नहीं कह पाऊँगा। और कुमरा यह सब कुछ सुन रहा होता है और मी कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ। ऐसे में लाइट ग्रीन होती है और वहाँ से मी चली जाती है और कुमरा बस ये सोचता रहता है, वो चिंतित है कि मैं उसे कैसे देखूंगा। बाद में हमें क्लास के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुमरा मी को लेकर चल रही है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मी के पैरों पर चोट लगी है। उसके बाद मी कहती है कि मैं गिर गया, उसके साथ मेरा चश्मा भी टूट गया। और यहाँ पर कुमरा सोचता है कि मी किस तरह से वार्म अप कर रही थी और इस तरह से वो गिर गई थी। और बाद में थे अजुमा मी को कहती है मी तुम ठीक तो हो कुमरा, तुम जल्दी से उसे नर्स के ऑफिस पर लेके जाओ। कुमरा यहाँ पर सोचता है अजुमा करना क्या चाहती है, क्या वो मेरी मदद कर रहा है। यही सोचते हुए कुमरा ये सोचता है कि मी उसके बहुत ज़्यादा पास है। बाद में मी कुमरा को कहती है कि अगर मैं भारी हूँ तो मैं मुझे माफ़ करना। कुमरा यहाँ पर सोचता है कि हाँ मी अपनी वजन को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, सो क्यूट। ऐसे में वो दोनों नर्स ऑफिस में पहुँच जाते हैं। बाद में कुमरा ये नोटिस करते हैं चेयर कहाँ पर है और देखता है चेयर सामने है पर चेयर के ऊपर बहुत कुछ रखा हुआ है, इसलिए कुमरा मी को कहते हैं तुम एक जगह पर खड़े हो जाओ, मैं चेयर लेके आ रहा हूँ तुम्हारे पास। ऐसे में मी एक जगह पर खड़ी हो जाती है और कुमरा चला जाता है चेयर लेने के लिए। बाद में कुमरा ये देखता है कि मी जिस जगह पर खड़ी है वो एक वेट मापने की मशीन है और इस बात को मी को कहते हैं कि मी तुम्हें वहाँ पर नहीं खड़ा होना चाहिए, रुको तुम वास्तव में बिल्कुल भी भारी नहीं हो। कुमरा ये कहते हुए मी को सब कुछ समझ में आ जाता है और मी यहाँ पर बहुत शर्मा जाती है। मी यहाँ पर प्यार से कुमरा को कहती है तुमने जो देखा वो भूल जाओ। कुमरा यहाँ पर कहता है नहीं वास्तव में तुम ठीक ही हो। मी फिर से कहता है तुमने जो देखा उसे भूल जाओ। कुमरा कहता है ठीक है। और बाद में हमें उन दोनों को एक जगह पर दिखाया जाता है जहाँ पर मी कुछ ऊपर लगाने की कोशिश कर रही है। कुमरा यहाँ पर मी से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। किचन ने कहा कि बोर्ड के ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसे बदल दो। ऐसे में कुमरा बहुत गुस्सा हो जाती है टीचर के ऊपर और कुमरा यहाँ सोचता है टीचर से कैसे कर सकती है क्योंकि मी ने अपना चश्मा बिल्कुल ही भूल गया इसी वजह से कुमरा मी की मदद करता है। पर यहाँ पर कुमरा का हाथ वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाता और उसी के बीच आ जाता है अजुमा और उन दोनों की मदद कर देता है। बाद में जब अजुमा का काम खत्म हो जाता है मी उसे थैंक यू कहती है पर यहाँ पर कुमरा बहुत ज्यादा जेलिस फील कर रही होती है। मी यहाँ पर कुमरा को कहती है कुमरा तुम्हें क्या हुआ है। कुमरा यहाँ पर कहता है कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा और लंबा हो जाऊँ। ये सब कुछ सुनते हुए मी कहती है बिल्कुल भी नहीं। कुमरा यह सुनते बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है इसलिए वो मी से पूछती है तुम नहीं चाहते कि मैं थोड़ा सा लंबा हो जाऊँ, पर क्यों।
मिनी यहाँ पर कुमुरा का बॉस पास चली जाती है और कहती है अगर तुम लंबे हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हारे चेहरे को बिल्कुल भी देख नहीं पाऊंगा, पर आजकल मैं सबकी आवाज़ सुन के बता सकता हूँ कि इसमें तुम कौन हो, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पसंद है, हालांकि मुझे लगता है कि तुम अब बढ़ने वाले हो। यही कहते हुए मी वहाँ से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं क्लास के अंदर एक लड़की एक चीज़ नोटिस करती है, वो एक चीज़ सबको बताती है, एक बादल देखने में एक हार्ट जैसा लग रहा है और इस चीज़ को कुमुड़ा भी देखती है। बाद में कुमुड़ा ये देखती है कि मी इस चीज़ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है, वो देख नहीं पा रही है। और क्लास के अंदर ही बहुत स्टूडेंट उस क्लाउड का एक फोटो खींच रहे होते हैं और इसके बीच टीचर बोलते हैं क्या कर रहे हो। मी यहाँ पर बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि उसे बिल्कुल भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। इसी के चलते अपनी किताब को मुंह के सामने ले लेती है और यही चीज़ कुमुड़ा देख रही होती है। कुमुड़ा का पता चल गया कि मी ऐसा क्यों कर रही है क्योंकि उसने अपना चश्मा नहीं पहना, इसलिए वो देख नहीं पाएगी। और फिर से कुमुड़ा उस बादल की तरफ देखती है और बाद में टीचर को एक तस्वीर खींचने की आवाज़ सुना देती है, तो इसलिए वो कहता है कौन है यहाँ पर। और बाद में रात होती है जहाँ पर मी यहाँ पर बैठ के अपने मोबाइल को देख रही होती है और उसके मोबाइल में मैसेज आता है वो भी कुमुड़ा की तरफ से और वही तस्वीर कुमुड़ा उसे सेंड करती है। मी यहाँ पर उस तस्वीर को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कुमुड़ा यहाँ पर सोचता है कि उसने कोई गलती तो नहीं की। बाद में अगली सुबह होती है और यहाँ पर कुमुड़ा हट रहा होता है और सोचता है कि मी ने कहा था कि मुझे यकीन है कि मैंने आज अपना चश्मा लेके आया था पर मैंने उन्हें कहाँ रखा। इसी वजह से मी यहाँ पर अपने चश्मे को ढूंढ रही होती है और कुमुड़ा को पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है। ऐसे में लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कितना अच्छा टाइम है, ज़रा तुम यहाँ पर आओगे। कुमुड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि आज तक उसने उसके साथ अच्छे तरह से बात नहीं किया है। बाद में कुमुड़ा उसके पास जाता है तब वो कहते हैं कि ये क्या मी का चश्मा है। बाद में वो बताती है कि ये बाथरूम में पड़ा हुआ था। बाद में वो लड़की कुमुड़ा को कहती है तुम तो मी के पास ही बैठते हो। ऐसे में वो लड़की कुमुड़ा को कहती है कि इस चश्मे के उसे दे दो और कुमुड़ा को पहना देती है। कुमुड़ा उस चश्मा को पहनते हुए उसका दिमाग घूमना शुरू हो जाता है और इसी के बीच मी वहाँ पर आ जाती है और वो मी जो देखती है उस देख के वो मी बहुत हैरान हो जाती है, पर यहाँ पर मी को बिल्कुल भी अच्छे से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बाद में वो लड़की हंसती हुई कुमुड़ा को कहती है कुमुड़ा तुम ये क्या कर रहे थे तुम। मी को यहाँ पर पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं ये कुमुड़ा है। मी ये सब कुछ देखते हुए उसके पास जल्दी से चली जाती है और लड़की यहाँ पर कुमुड़ा के साथ बहुत मस्ती कर रही होती है। मी यहाँ पर कुमुड़ा को उस लड़की से दूर हटा देती है जल्दी से। लड़की यहाँ पर बीच में हंसती हुई मी को कहती है मी ये तुम क्या कर रहे थे। मी उस लड़की को कहती है इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर यहाँ पर कुमुड़ा का दिमाग घूमता है उस चश्मे को पहनने की वजह से और मी यहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पाती है। और उसके बाद अगले का दिन दिखाया जाता है जहाँ पर मी कुमुड़ा को गुड मॉर्निंग कह रही है। कुमुड़ा यहाँ पर देख सकते हैं कि आज उसने चश्मा नहीं भूला है। कुमुड़ा यहाँ पर कहता है कि दुष्ट भाषा में जब वो चश्मा पहनती तब उसकी मेरी कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये बात बहुत ज़्यादा बुरी हो सकती है मेरे लिए, पर मी के लिए ठीक ही है क्योंकि उसने किस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनसे। और ये सब कुछ कहते हुए कुमुड़ा पहले दिन के बाद बहुत कुछ याद करती है जब पहली बार मी उसके पास आई थी और भी बहुत कुछ याद करती है। बाद में कुमुड़ा ये नोटिस करती है कि उसने आज अपना टेस्ट बुक लेना भूल गया है। इसीलिए कुमुड़ा मी को बताने की कोशिश करती है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो, और ऐसे में ही मी उसे कह देती है और मी कहती है तो फिर तुम मेरा बुक यूज़ करना चाहती हो। कुमुड़ा यहाँ पर समझता है कि मी ये सब कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है। ऐसे में मी अपने टेबल को उसके पास लेके आती है और ऐसे में मी उसे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मी यहाँ पर कुमुड़ा के चेहरे को अच्छे से देखती है और कहती है जब मेरे पास चश्मा नहीं था तब मैंने ये चीज़ बिल्कुल भी नोटिस नहीं की, जब वास्तव में हम दोनों का टेस्ट एक होता है तब हम दोनों बहुत करीब होते हैं। इससे मैं आश्चर्यचकित हुआ और ये सुनते हुए कुमुड़ा बहुत शर्मा जाती है। बाद में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों फिर से घूमने के लिए आए हैं एक साथ उसी चश्मे की शॉप के अंदर। मी यहाँ पर कुमुड़ो के साथ आए हैं अपने नए चश्मा को लेने के लिए और बाद में मी यहाँ पर कुमुड़ो कहती है कि जबकि मैं यहाँ पर हूँ तो फिर मैं बहुत टाइप के चश्मे को यूज़ करना चाहता हूँ। हर वक्त मेरे डैड मुझे बताते रहते हैं पर आज यहाँ पर वो नहीं है, इसीलिए कुमुड़ो को एक पता चल जाता है कि उसे यहाँ पर क्या करना है मी के लिए। और ये सब कुछ सोचते हुए बाद में हम देखते हैं मी यहाँ पर बहुत सारे चश्मे यूज़ कर रही है देखने के लिए कि कौन सा अच्छा है और कुमुड़ा यहाँ पर उसकी मदद कर रही है, बोल रही है कि कौन सा अच्छा है या नहीं है। और ऐसे में कुमुड़ा को एक चश्मा पसंद आ जाता है तो इसीलिए कुमुड़ा मी को कह देती है कि ये चश्मा देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है। मी ये सब क्या कह रहा हूँ। बाद में मी कहती है ये चश्मा और कुमुड़ा कहते हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है देखने में। कुमुड़ा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि उसे क्या कहना होगा ये सब कुछ करने के लिए। और बीच में मी यहाँ पर अपने चश्मे को देख रही होती है और कुमुड़ा यहाँ पर सोचता है
कि मुझे कुछ अच्छा कहना होगा यहाँ पर, मुझे उसे उचित राय देने की ज़रूरत है। बीच में मी उसके सामने आ जाती है, बोलती है कुमुरा तुम ठीक तो हो? और कुमुरा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। बाद में हमें दिखा देता है कुमुरा यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मी को। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस तरह के चश्मा पहनते हो या फिर तुम ना पहनते हो भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब कुछ मेरे लिए अच्छा है, मुझे माफ़ करना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। मी ये सब कुछ सुनते हुए अपने पुराने वाले चश्मे को पहनती है और बोलती है ये देखने में कैसा है, और कुमुरा यहाँ पर बहुत हैरान हो जाती है। और बाद में अगली सुबह होती है और मी यहाँ पर बिना चश्मों पे है, और मी यहाँ पर कुमुरा को कहता है कि मैं चश्मे के साथ सो गया था और फिर से ये चश्मा टूट गया, और ये सुनते हुए कुमुरा हैरान हो जाती है। कुमुरा यहाँ पर सोचता है अगर मुझे मीसान की देखभाल करनी पड़ेगी तो फिर मुझे इनकम की ज़रूरत होगी। और ये कहते हुए यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है।